गुरुजी हमारा मन चल रहा है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता। अरे तुम किनारा कर लो, तुम परहेज में रहो, तुम नहीं जाओ उसके पास जो तुम्हारे निश्चय को बिगाड़े हैं। तुम उठ जाओ उस महफिल से, तुम्हारा काम नहीं है उधर बैठने का। पर जो तुमको निश्चय कराए तो उसके चरणों में बैठ के तुम ज्ञान समझो। वो तुमको गुरु तक भी पहुंचाता है, सत्संग तक भी पहुंचाता है और आत्म निश्चय तक भी पहुंचाता है। और बाकी तो बीच में खुद ही बैठ के अपना माल खा लेते हैं, मैं गुरु तू चेला। अब ये गुरु और शिष्य की परंपरा है ही नहीं हमारे पास। किसके लिए परंपरा बनाए? जेको ओटे सो अर्जुन, गीता भगवान ने बोला जो समझ ले ज्ञान को सही तरह से तो उसके मुख से अपने आप ही सही ज्ञान निकलेगा। तो जो ओटे जिसने समझा वही अर्जुन। कल भी हमने बोला जब पांचों भाई थे तो खाली एक अर्जुन का नाम क्यों आया? अर्जुन ने ज्ञान इतना अर्जित किया, उसने इतनी नम्रता की, इतना प्यार किया, तब ज्ञान उसके अंदर में बुद्धि में बैठा और उसमें श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज अश्रद्धा होएगी तो हम ज्ञान कैसे ले सकते हैं? श्रद्धा है तो ज्ञान ले लेते हैं। अगर आज भी तुम्हारी भी श्रद्धा रूठ जाए तो फिर गुरु का ज्ञान भी नहीं लगेगा तुमको, छेद हो जाएगा तुम्हारी नाव में तो पानी तो भर जाएगा एक दिन। तो एक भी अगर तुम्हारे अंदर अश्रद्धा का विचार आया तो तुम्हारी नाव में फिर पानी भर जाएगा। तो तुम किसका दोष क्यों देखते हैं, किसकी बुराई क्यों देखते हैं? जो बुराई बता रहा है उसकी बुराई सुनो भी नहीं, न देखो न बोलो न सुनो। महात्मा गांधी की तरह तीनों बंद कर दो, तीन बंदर की तरह। एक ने मुख बंद कर रखा है, एक ने कान बंद कर रखे हैं, तो तुम भी ऐसे ही कान मुख आंख बंद करके अपना नाम निरंजन ले। आंखें भी बंद है, हम इविल देखते नहीं है, बुराई देखते नहीं है, बुराई बोलते नहीं, बुराई सुनते नहीं। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सुनते ही नहीं है। स्ट्रांग तुमको होना है। आज हमको अपने निश्चय से कोई हटा सकता है? कोई आ जाए, कोई आके बोल दे हमारे सामने कि तुम्हारा गुरु ये वो कुछ भी बात करे, उनको मालूम है अगर हमने ऐसी बात इनके सामने की तो डंडा लगा के हमारे सिर के दो टुकड़े कर देंगे। क्यों हम सुने? अपने गुरु के विपरीत भी हम सुने क्यों?
अंदर में जब हमारी श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा, तो हम दोस्त को डंडा लगा के भगा देंगे। जब लक्ष्मी गई कबीर के घर में तो गिलास सोने का बना के दे दिया, क्योंकि झगड़ा हुआ था एक दिन नारायण लक्ष्मी में, हम दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा कौन छोटा, देखो देखो मेरे भाई यहाँ लगी है लड़ाई, करे कौन सफाई, कौन बड़ा कौन छोटा। तो लक्ष्मी की और भगवान की लड़ाई हो गई। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ, मैं जिसके पास होती हूँ सब लोग उसके पीछे पीछे पड़ते हैं, सब लोग उसको प्यार करते हैं, मेरी वैल्यू है, मेरे बिना खाना नहीं मिलता, मेरे बिना ये। बोला फिर भी देखो चलो आजमाइश करते। तो भगवान ने तो एक बुड्ढे का वेश धारण किया और लक्ष्मी जो थी वो बहुत चकाचौंध वाली थी। तो भगवान किसी के घर में जाके रहे, ब्राह्मण था कोई, तो उसके घर मेहमान बन के रहे। तो उस ब्राह्मण ने उसकी इज्जत किया, मान किया, रहाया, बोला हमको सत्संग करना है, तो सत्संग करता था वो। तो 8 दिन के बाद लक्ष्मी आई, उसने एकदम से गिलास जो था उससे पानी का मांगा और सोने का गिलास बना के दिया। तो ब्राह्मण देवता देखता रहा, ये तो बहुत मज़ेदार है, पीतल को सोना बना देती है। तो बोला आप भी आओ मेरे घर में रहो। बोला हाँ हम रहेंगे तो सही, लेकिन पहले इसको बुड्ढे को निकाल दो यहाँ से, ये जो बुड्ढा तुम्हारे घर में रह रहा है इसको निकाल दो। उसने बोला बुड्ढे को क्यों निकालें भाई, वो तो संत है, वो सत्संग करता है, लोग आते हैं उसके पास। बोले अगर उसको रखोगे तो फिर हम नहीं रहेंगे। तो उसको बुड्ढे को बोला महाराज अब आप रह लिए 8 दिन, अब आप ये कमरा हमारा कोई और अतिथि आ गया है उसको देना है तो आप खाली करो। बेचारा बुढ़ा निकल आया। लक्ष्मी ने कहा देखा कैसे तुमको निकलवा दिया, अब मैं बड़ी हूं। बोला ठीक है अभी हमारे भगत के पास तो चलो। तो जब भगत के पास कबीर जाके, कबीर था भगत, उसके घर में जाके भगवान रहा, तो कबीर ने तो बहुत आव भगत करी, बहुत अच्छे से रखा, बहुत खुश, सत्संग होता था, भजन होता था। तो एक दिन फिर आ गई ये लक्ष्मी माता, ये इसके पास भी ऐसे ही क्या, पानी पिलाओ हमको पानी की जरूरत है, गिलास सोने का बना के दे दिया वापस। जब सोने का गिलास बनाया तो कबीर ने देख लिया उसको, ऐसा आंख बंद की और समझ गया ये कौन है, ये आइए हमको भगवान से अलग करने के लिए। तो बोला लोई इसको भगाओ, ये कौन आई है देखो, गिलास सोने का बना के देती है, तो लाओ अभी डंडा तो करें इसको चंगा। तो ऐसा उसको डंडे लगाए, ऐसे डंडे लगाए, पिट पिटा के चली गई वहां से। फिर मिला भगवान, बोला देखा मेरा भगत, उस तुम्हारे भगत ने तो फिर भी 8 दिन मेरे को रखा था ना, इसने तो 1 मिनट भी नहीं रखा तुमको। मेरा भगत तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मेरा भगत केवल मेरी पूजा करेगा, केवल मेरे को चाहेगा, केवल मेरा ही बन के रहेगा। और जो तुम्हारे भगत हैं उनको फिर भी डर होता है लक्ष्मी चली न जाए, तो एक मंदिर बना के ही रखते हैं। कितने भी शाहूकार लोग होते हैं ना, वो दरवाजे के पास ही एक छोटा सा मंदिर बना के कृष्ण भगवान को आसीन करते हैं। अब भय होता है कि माया हमारे पास जो है ये चली न जाए, माया में हमेशा जाने का डर रहता है। पर भगत के पास अगर माया नहीं भी रहती है तो उसका गुजारा चलता है, वो आराम से जीता है, आराम से रहता है। कबीर आराम से रहता था, उसके पास कभी कमी नहीं होती थी, अगर हो भी जाती थी तो वो कैसे न कैसे करके अपने भक्तों को खिला ही देता था, संतों के उनका अच्छी तरह से आवभगत करता था। तो एक बार ऐसा हुआ उसके पास संत आए, पर
खाने के लिए कुछ था नहीं, तो लोई ने बोला आज तो सब डब्बे खाली पड़े हैं, आटा वाटा कुछ भी नहीं है, और आज कैसे इन सबको भोजन कराएं, बड़ा मुश्किल है। बोला मुश्किल है तो भाई तुम कोई उपाय बताओ क्या करें। बोला उपाय तो ये है कि एक बनिया है और वो सब ये सामान रखता है, दाल चावल आटा वगैरह सब, और वो मेरे ऊपर निगाह रखता है हमेशा, कहता है कभी तुम हमारी हो जाओ तो अगर मैं उसके पास एक दिन चली जाऊंगी तो जो भी मांगूंगी वो दे देगा। कहता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब पत्नी तक को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ संत साधुओं को खिलाने के लिए। पत्नी गई जाके उस सेठ से बात की, बोला आज हमारे यहाँ संत आने वाले हैं और हमको भोजन बनाना है, तो उसके बदले हम आ जाएंगे आपके पास रात को। बोला आज तो बड़े सिधाई से मान गई, कितना चाहिए, ढेरों सामान भेज दिया, बड़ा खुश कि आज तो इसने खुद ही माना, इतनी पतिव्रता नारी है, इतनी पतिव्रता स्त्री है, और ये कैसे हमारे पास आ जाएगी रात को। तो बहुत सारा माल सामान भेजा दिन भर, बहुत खुश कि आज तो लोई हमारे पास रात को आएगी। अब रात हुई तो आंधी तूफान बारिश इतनी जोरदार पड़ी, थोड़ा वो भी सोचने लगा भाई ऐसी बारिश में वो आएगी कैसे, लेकिन वो भी वायदे की पक्की थी। रात हुई तो वो पहुंच गई, जब ही पहुंच गई दरवाजे के पास तो वो देख के हैरान हो गया, भाई इतनी आंधी तूफान बारिश में ये आ गई है, और रास्ते में तो इतनी कीचड़ भरी पड़ी है। तो उसको बोला, देखो नौकरों को बोला बाल्टी ले आओ पानी की, इनके पैर खराब हो गए होंगे, कीचड़ में होके आई है तो इसके पैर धो लें। तो उसने बोला मेरे पैर तो खराब नहीं है। बोला तुम्हारे पैर खराब नहीं है, क्यों इतनी कीचड़ से तुम आई तो तुम्हारे पैर खराब नहीं हो गए। बोला नहीं, मेरे को तो कबीर कंधे पे बिठा के लेके आया है। बोला कबीर माना तुम्हारा आदमी? बोला हाँ। बोला संत साधुओं को खिलाने के लिए वो इस बात पे राजी हो गया कि ठीक है तुम चलो, हम तुमको खुद छोड़ के आते हैं। तो उसका बनिए का दिमाग जो था सेठ का खराब हो गया। बोला एक वो कबीर है कि संतों के लिए अपनी औरत छोड़ सकता है, और एक मैं इतना बदमाश हूं कि मैंने थोड़ा सा अनाज पानी दिया और मैं उसके बदले उसकी स्त्री ले रहा हूं। तो उसको जो दिमाग फिर गया और उसके अंदर का जो कामना थी वासना थी वो सब क्षय हो गई, नष्ट हो गई, और एकदम उसको लगा ये मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये मेरी माँ है, और उसके चरणों में गिर गई, और उसने भी उसको ऐसे गोद में बिठाया जैसे मेरा छोटा बच्चा है, भाव बदल गया। अब इतनी शक्ति है संत के निष्काम होने में कि वो सब कुछ दे सकता है भगवान के लिए। लोगों के पास तो होता है तो उसमें से थोड़ा सा देंगे, ठीक है ऐसा उदारचित होंगे, पर उसने तो अपनी स्त्री तक को गिरवी रख दिया, कितनी बड़ी बात है। हम लोग खाली अपना शरीर भी सेवा में रखते हैं तो अहंकार आता है कि हम भगवान की सेवा करते हैं, हम काम करते हैं, हमने ये किया हमने ये किया, लेकिन सच्चे संत क्या करते हैं, तन मन धन पदार्थ सब लुटा देते हैं। वो अपना कुछ मानते ही नहीं, अपनी बीवी मानता तो कभी देता, लेकिन नहीं माना उसने, उसको लगा ये भी भक्त है हम भी भक्त हैं, दोनों ईश्वर के भक्त हैं, दोनों ही साधु है। अगर कबीर पहुंचा हुआ था तो लोई भी कम नहीं थी, किसी भी पुरुष के बड़े होने में उसकी स्त्री का हाथ बहुत होता है। अगर स्त्री सच्ची है अंदर से पवित्र है तो गीता भगवान बोलते थे उसके अंदर पुरुष परमात्मा का दर्शन कर सकता है। आज गीता भगवान का मिसाल है ना हम लोगों के सामने, तो जब अंतःकरण उनका इतना साफ, वो तो खैर खुद ही भगवान ही थे, तो इतने पवित्र इतने शुद्ध
उन्होंने अपने अंदर इतना निरिच्छापना रखा, जो संसार के हिसाब से पति होते हुए भी उसने कभी उसको पत्नी नहीं समझा, कभी उस भाव से स्पर्श भी नहीं किया। हमेशा ऐसा ही उसको लगा, बोला पहले दिन से ही ऐसा लगा, ये हमारे लिए भगवान है, ये हमारे उद्धार के लिए आया है, भले ये मोहिनी स्वरूप धारण करके आया है लेकिन आया तो मेरे उद्धार के लिए। तो एक निरिच्छा स्त्री क्या नहीं कर सकती है? एक पवित्र स्त्री हो, एक निरिच्छा स्त्री हो, जिसको इस विषय सुख की कामना नहीं है, माया की कामना नहीं है, तो वो स्त्री क्या नहीं कर सकती है? कैसे पुरुष को भी इस सही राह पर चला देती है और उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, उसका ऐसा दर्पण हो जाता है जिसमें परमात्मा का दर्शन कर सकता है पुरुष। तो नारियों ने नर तारे हैं ना, चूड़ाला ने शुक्रद्वज को तारा, आज राधा के कारण श्याम मशहूर हुआ, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधा का नाम क्यों हुआ? प्रेम है। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, पर जीवन में प्रेम होना भी बहुत जरूरी है। तो राधा माना प्रेम, राधा के अंदर प्रेम की शक्ति है, जो कृष्ण के अलावा किसी और को जानती नहीं है, वो केवल कृष्ण को मानती है, कृष्ण के भक्ति में रहती है, कृष्ण के प्रेम में रहती है, और उसके अंदर संसार के लिए कोई भाव नहीं है। तो जिसको भगवान मिल गया, जिसको कृष्ण मिल गया, उसको अब संसार का कोई पदार्थ, कोई संसार की चीज क्या करेगा? एक ईश्वर के अंश मात्र से जब सारी दुनिया बनी, अर्जुन को बोला तुमको सेना चाहिए या निहत्था मैं? अब यूं देखो तो सेना के बल पर ही लड़ाई होती, और दुर्योधन कह रहा था पहले इसको मांगने को बोल रहा है, और कहीं इसने सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा? ये ग्वाला है, ये तो दूध बेचना जानता है, गाय चराना जानता है, ये क्या युद्ध करना जानेगा, ये कैसे मेरे को जिता सकेगा? उसका विश्वास नहीं था। एक ही समय में है दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है। तो भगवान को, भगवान तो सामने है, तो दुर्योधन उसको क्यों नहीं मांगता है? उसको सेना चाहिए, उसका विश्वास है कि ये सेना जो है ये हमारी सहायता कर सकती है। लेकिन भक्त सोच सकता है कि भगवान हमारी तरफ है तो हमें सेना की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतनी अक्षौणी सेना मेरे अंश मात्र से, वर्ल्ड ही पूरी बोला मेरे अंश मात्र से, तो संपूर्ण में कितनी शक्ति? एक दो किरण से चंद्रमा इतना चमकता है रात को, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की उधारी रोशनी मिली हुई है, तो थोड़ी सी किरण पड़ती है तो वो चंद्रमा पत्थर के जैसा है और ऐसे कैसे चमकता है, और उसकी चांदनी से कितनी वनस्पतियों में रस आता है थोड़ी सी किरण लेके। तो भगवान के थोड़े अंश मात्र में सेना है और वो संपूर्ण है। तो होशियार आदमी संपूर्ण को लेगा कि अंश को लेगा? तुमको एक ग्राही खाना मिले या दो फुल्का मिले तो तुम दो फुल्के खाएंगे ना, एक ग्राही से किसका पेट भरेगा? वो समझ गए दुर्योधन दुर्बुद्धि, तुम्हारे ही अंदर दुर्योधन जो है वो दुर्बुद्धि, कभी बोलेगा हमको माया चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको दुनिया चाहिए, फिर विवेक बोलता है ये सब मिलेंगे भी तो क्या, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिर तो यहाँ छूट जाएगी, इनमें से कुछ साथ जाएगा। जो समय तुमने सत्संग के लिए दिया और जिस समय में तुमने इस ज्ञान को अर्जित कर लिया, वो समय तेरा सार्थक है, बाकी जीवन बेकार, बाकी तो सब तुमने माया के धंधे किए, झूठ किया, प्रेम किया, धन कमाया, दौलत कमाई, इधर गए उधर गए, उसमें क्या है? उसमें तो कुछ मिलना नहीं है, ऐसे ही जीवन व्यर्थ गए, भजन बिना जीवन व्यर्थ गए, जग में जन काहे भयो, बोला ज्ञान बिना मन जो जो जीव है वो पशु के समान है, पशुओं वाले करतूत के, बाल बच्चा घर ग्रस्त माया सब कठी कर ली, और वो एक पल में श्वास नहीं चला तो खत्म, वहीं छूट जाएगी, चाहे करोड़ इकट्ठा किया, चाहे सारी जमीन के मालिक हो गए, चाहे पृथ्वी के मालिक हो गए, लेकिन वो तो एक
सेकंड में छूट जाते, एक सेकंड में गया फलाना तो सब कुछ यहां रह गया, माल खजाने पड़े रह गए, उसी को ही उठा के एकदम छोड़ाएंगे। एक तुम्हारा कप टूट जाएगा, उसको फेविकाल से जोड़ के तुम फिर रख लेते, इतना अच्छा कप है, बोन चाइना का कप है, इतना महंगा आता है, शरीर तो बहुत ही महंगा है, पर इसको तो कोई फेविकाल नहीं जोड़ सकता। अगर इसकी श्वास की डोरी टूट गई तो कौन जोड़ेगा, सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी। कठपुतलियों का नाच होता है ना तुम्हारी जयपुर में, ऐसे ऐसे वो हाथ चला चला के राजा को मारा, रानी को मारा, ऐसा मारा वैसा, कितना खेल दिखता रहता है। पर अगर डोरी उसके हाथ से छूट जाए तो वो पुतली तो ऐसे ही हो जाएगी, डाएं ना वो लड़ेगी, ना वो हंसेगी, ना चूचू चूचू करेगी, वो पीछे से आवाज करता रहता है। तो मर गई तो मर गई, डोर टूटी तो खलास। तो तुम भी श्वासों की डोर पर तो परमात्मा से जुड़े हुए हो ना, वो नचा रहा है, तुम नाच रहे हैं कठपुतली की तरह। जिस दिन डोरी टूट गई तो कठपुतली सो गई। ये जीवन है, ऐसा जीवन तो जीने से मरना बेहतर है। जिसको जीवन में परमात्मा नहीं मिला उसका जीवन ऐसे है कि वो जीते जी ही मरा पड़ा है, उसके जीवन में कोई जीवन नहीं है। श्वास भले ही वो ले रहा है लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं, मरा हुआ है वो, मरे हुए के समान। जो संत की निंदा करे वो मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक अधबीचते टूटे, संत का निंदक किसी कार्ज न पहुंचे। रही है पुरानी चर्च टूटेगी तो नई चर्च बनेगी, पुरानी मान्यताएं छोड़ेंगे तो नए विचार ले पाएंगे, पास्ट छोड़ेंगे तो प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे, पुराने दुख भूलेंगे तो नया आज का सुख अनुभव कर पाएंगे। ज़रूरी वाली बात है, पास्ट को लॉस्ट करना पड़ेगा। भगवान तो सच में पास्ट को पीछे कर देता है लेकिन हमारा मन जो है वो पास्ट को बार बार प्रेजेंट में आगे ले आता है, याद करता है फिर दुखी होता है। लेकिन जो कल बीत गया वो दोबारा जीवन में नहीं आएगा, तुमको मालूम है। आएगा क्या लौट के? दोबारा नहीं आएगा, चला गया तो चला गया। गंगा जी का जो पानी बह गया अब क्या वो दोबारा नहाने के काम आ सकता है? आपके जो धूप कल निकली थी आज समझो बहुत सर्दी लग रही है, फिर जो कल धूप निकली थी सोचें आज धूप नहीं निकली कल वाली धूप से काम चला लें, कल वाली धूप तो आज काम ही नहीं आएगी। जीवन में भी जो बीत गया अच्छा था या बुरा था उसको तुम्हें किनारे करना ही पड़ेगा। अच्छा था उसको याद करके आज रोना आएगा, पहले अच्छा समय था आज बुरा है, कल बुरा था आज अच्छा है, मन आज अच्छाई को एंजॉय नहीं करेगा, कल की बुराई को लेके रोता रहेगा, ये मन का स्वभाव है। लेकिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो भी कल तक का है उसको भूलो और जो आज है उसमें जीना सीखो, आज को एंजॉय करना सीखो, आज में जीना सीखो, आज कैसे आगे बढ़ना है ये विचार करो। ये मत सोचो कल ऐसा था, वो जो भी था था, बात तो आज की है, अभी में जीना है ना। बार बार दादा भगवान बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट, आज में जियो, और आज में कोई तकलीफ नहीं है, कल को याद करोगे तो तकलीफ है, आज में तो कुछ नहीं है। अब आपको बोला एक मिनट पहले की बात भी भुला दो, जो एक मिनट पहले हुआ
अब अगर ये सोचो कि 1 मिनट पहले की बात भी भूलनी है मेरे को, तो सच में फिर तो कोई बात है ही नहीं ना दुख वाली। 1 मिनट पहले जो हुआ मैंने भुला दिया, फिर अब क्या बात है? अब तो कोई बात ही नहीं है। किसी ने अपमान किया 1 मिनट पहले किया, कोई दुख आया 1 मिनट पहले आया, अब 1 मिनट पहले की बात भुलानी है तो फिर कोई बात है? भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके जमाना, भूल जा। क्या करोगे याद करके? अब सपना जो देखा सपना ही रहेगा, क्या क्या बताऊं मैंने क्या क्या है देखा। कभी सपना अच्छा भी होता है, कभी सपना बुरा भी होता है। अब उठने के बाद मान लो आपने अच्छा सपना देखा कि आप बहुत बड़े बंगले में रह रहे हो, नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं, हीरे पन्ने पहने हुए हैं। उठने के बाद क्या? उठने के बाद तो काम वाली भी नहीं आई आज, तुम्हें ही सब काम करना है। तो सपने की बात करके क्या करोगे? मान लो तुम खाना ना बनाओ और सपने की बातें करते रहो तो घर से ही डांट पड़ेगी, भाई वो तो सपना था ना। तुम सपने के नौकर को याद करके प्रेजेंट में खाना नहीं बनाओगे क्या? कभी कभी सपना बुरा भी होता है। फिर उठ जाते हो, बार बार बात करते हो, मेरे को तो डर लग गया, मैं तो परेशान हो गया, तो सब बोलते हैं सपना था ना, चुप हो जा, अब काम कर, अब काहे रोना मचा के रखा है। तो ये बात समझ सकते हो कि सपने की बात करना व्यर्थ। उठने के बाद जो पुरुषार्थ है वो तो करना पड़ेगा। इसी तरह से जगत भी जगते का सपना है। अब इसकी अच्छी बुरी बातों का चिंतन करना, वर्णन करना सब बेकार की बात है। जब जगत मिथ्या है तो इसके सुख दुख सच्चे कैसे हो सकते हैं? और फिर इसके सुखों या दुखों की बातें करते रहें, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, वेस्ट है। अब मान लो आप एक परिस्थिति का चिंतन करते हो, दुखी होते हो, रोते हो, क्या हालत बदल जाएगी? बदलेगी तो नहीं, फेस करना पड़ेगा। एक समझदारी से सोच के देखो भाई, समझो एक व्यक्ति चला गया दुनिया से, अब हम रो रहे हैं बैठ के। गुरुजी बोलते थे अगर रोने से वापिस आता हो, चलो हम सारे भी तेरे साथ रोते हैं, तुम भी जानते हो नहीं आएगा, मालूम है ना तुमको, लौट के तो नहीं आएगा, कंडीशन ठीक तो होगी नहीं। जो तुम्हारे सामने है, दुखी हो के परेशान हो के भी आखिर तुम्हें उस कंडीशन में जीना सीखना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। फिर जितना समय गवा रहे हो दुखी होने में, रोने में, परेशान होने में, उसका क्या फायदा है? समय गवाने का क्या फायदा? फिर बेहतर है जो 4 दिन बाद तुमने शांत होना है, 4 दिन बाद हंसना है, 4 दिन बाद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आज कर लो। फिर हम पुरानी बात को क्यों पकड़ें? फिर हम इतना सा समय भी क्यों खराब करें? क्यों ना हम वो समय भी किसी पुरुषार्थ में लगा दें, अपने आप को सेट करने में लगा दें, ज्यादा अच्छी बात है। आखिर क्या बोलोगे? रो भी लेते हो, दुखी हो लेते हो, फिर क्या बोलते हो? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, लास्ट में तो यही बोलना पड़ता है, तो पहले ही बोल दो अच्छा भगवान तेरी मर्जी। तो इतना सारा रोना धोना दुखी होना करना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, पहले से ही बोल दो
अच्छा भगवान अब तेरी मर्जी यही है तो ठीक है, मेरी मर्जी भी यही है, अब मुझे आगे की राह दिखाओ भगवान, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, मुझे अब कैसे चलना है, मेरे लिए तुमने क्या सोचा है, मेरे को मार्ग दिखा दो। वो रास्ता तो फिर भी समझदारी का होगा ना, और सिर्फ बैठ के शोर करना, रोना, उलझना समझदारी का मार्ग तो नहीं है। क्या समझदारी है उसमें, अपने को भी परेशान करें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी परेशान करें। अच्छा कभी चलो कोई हालत है, कोई बोलता है बहुत बड़ा दुख है, हम कहते हैं अच्छा रो, कितना रोओगे, रो कितना रोओगे, फिर 2 मिनट बाद अपने आप ही तो आंसू पोंछ लेते हो अपने, उल्टा एक आंसू आता है पोंछना शुरू कर देते हो, रो लो कितनी देर, जब कोई हालत आई तब भी कितनी देर रोए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर आंखें बंद करके ऐसे दीवार से सिर लगा लेते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, बस कितना रो लिया, फिर कोई आया चलो 2 आंसू फिर बहा लिए, है ना, कितना रो सकते हैं, रो भी नहीं सकते हो ज्यादा, भगवान ही धीरज बन के अंदर बैठा हुआ है, फिर तुम्हें शांत भी करा देता है, तो फिर फायदा क्या अपना समय खराब करने का, इससे बढ़िया है अपनी जीवन को आगे बढ़ाओ, आगे आगे चलना है, पीछे देखने से कोई लाभ नहीं होगा, रोज एक कदम आगे बढ़ो, रोज अपने मन में धीरजता लाओ, भगवान का विश्वास लाओ, अविश्वास मत लाओ। हो सकता है अपना मन भी कहे या दुनिया के लोग भी कहें भगवान ने भी तेरे साथ क्या किया, हो सकता है अपना मन भी कहे भगवान ने मेरे साथ क्या किया। तो गुरु नानक साहब बोलते हैं एक भी ना देवे 10 भी हर लेवे तो मुड़ा तू क्या करे, हालत तो इससे ज्यादा भी आ सकती थी, अभी तो फिर भी कम आई है, शुक्र है, ये भी शुक्र है भगवान का, परमात्मा तो अभी एक लिया है ना, 10 भी तो ले सकता है, फिर क्या करते। तो आखिर भलाई दिखानी पड़ेगी ना अपने मन को, आखिर अच्छाई दिखानी पड़ेगी, दुनिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है शादी ना होती, हो सकता है बच्चे ना होते, अब क्या तुम आने वाले जीव को रोक सकते हो, ये जो बना हुआ प्रारब्ध का खेल है, अब ये तो भगवान जानकी नाथ को भी नहीं पता था कि मेरे को सवेरे वनवास मिलने वाला है, तैयारी तो रास्ते लग की हो रही थी ना, जब भगवान को ही नहीं पता था भावी का खेल क्या है, और भावी कराती जाती है इंसान से, अब पास्ट याद करोगे, मेरा तो शादी का भी मन नहीं था, मेरे को तो लड़का भी पसंद नहीं था, घर वालों ने करा दी, सब ने कहा हाँ कर दे, कुछ कुछ भी बातें आ सकती है दिमाग में, लेकिन होनी थी तो हुई ना, होनी हो कर रहे अनहोनी नहीं हुए, होनी थी तो होके रही वो, जिसके साथ कर्मों का हिसाब था जैसा हिसाब था, होनी के खेल हैं सारे, तो ठीक है होनी होगी हो गई, भगवान ने कराना था करा दिया, जो भी परमात्मा का हुक्म परमात्मा का खेल बना हुआ था उसी अकॉर्डिंग सब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उन चीजों को ब्लेम करके दुखी होके रो के कोई फायदा तो निकलेगा नहीं, अपने मन को हलचल में डालने से क्या लाभ होगा, अपने मन को अशांत और परेशान करने से क्या फायदा होगा, कोई परिणाम तो निकलेगा नहीं। देखो एक चीज है, या तो कोई परिणाम निकले, एक बार विचार कर लें बैठ के कि हाँ कोई परिणाम निकलेगा,
तो चलो हम अपने आप को अशांत, दुखी, परेशान कर लेते हैं, परिणाम तो निकलेगा नहीं। अच्छा, ब्लेम देने से भी परिणाम नहीं निकलेगा। मान लो किसी ने रिश्ता कराया, मान लो माँ बाप ने किया, अब अगलों ने तो कोई किस्मत खोल के देखी नहीं थी। और ये भी बात है कि हर कोई अच्छे के लिए करता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अंधे कुएं में तो नहीं धकेलते हैं, पता उनको तो ना करें, तो होनी के खेल हैं। मान लो कोई बिचौलिया भी था, अब उसको थोड़ी किस्मत पता थी तुम्हारी, अगले ने तो अपनी तरफ से अच्छा करके दिया, लेकिन ठीक है, होनी के खेल हैं। अब ये तो बातों में, तो फिर अगर बातें बनानी शुरू करो ना, अंत कोई नहीं। जैसे मिट्टी खोदते जाओ, मिट्टी तो निकलती आएगी। अब व्यर्थ की बातें खोजनी शुरू करो, खोदनी शुरू करो, तो कोई रिजल्ट थोड़ी निकलेगा इसमें से, कोई फायदा थोड़ी होगा इन चीजों से, कोई भी लाभ नहीं होने वाला। किसी को ब्लेम कर दें, किसी को गलत कह दें, किसी को बुरा कह दें, किसी के लिए कुछ सोच लें, उससे क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। होनी तो होनी है, जो खेल बना हो ऐसा तो होना ही है। भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगना है तो लगना है। अवतारों ने लीला करके क्या दिखाया कि हम भी किसी को दोष नहीं देते हैं, हम भगवान का खेल देखते हैं, लीला देखते हैं और स्वीकार करते हैं सब कुछ। तो एक स्वीकार्य बुद्धि, एक्सेप्टेंस पावर, जरूरत तो इस चीज की होती है, जरूरत तो इस चीज की होती है कि हम अपने जीवन में एक एक्सेप्टेंस पावर रखें, स्वीकार करना सीखें। जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ टूटता है, बिखरता है, उसको जीने की कला नहीं आती है। जिसको जीने की कला आती है वो किसी भी हालत के साथ ना टूटेगा ना बिखरेगा, पर वो अपना मार्ग बनाना जानेगा। सांप की तुम एक बिल बंद कर दो, वो दूसरी बिल खोद के बाहर आ जाता है। सांप की बिल बंद करने से कभी भी फायदा नहीं होता, उसको इतनी युक्ति है वो दूसरी बिल खोद के बाहर आ जाएगा, उसको अपना तरीका है। हमारे पास भी ये तरीका होना चाहिए कि भले परिस्थिति कैसी भी हो, ना टूटना है ना बिखरना है, लेकिन अपना मार्ग निकाल के आगे बढ़ना है। मजा तो इसी में, फायदा क्या हुआ कि जरा सी परीक्षा आई भगवान की तरफ से और हमारी गति रुक गई, हमारा सत्संग का नियम टूट गया, हमारा भक्ति छूट गई, हमारा प्रेम टूट गया, हमारे अंदर टेंशन हो गई, हम हालतों के गुलाम हो गए। ये कोई बात है क्या? हमारे अंदर पावर होना चाहिए कि हम उस सब रास्ते, मतलब हालतों के बीच से भी रास्ता निकाल पाएं। कभी ड्राइविंग का टेस्ट देने चले जाओ, वो तो जानबूझ के ऐसे रास्ते और वो सब बना के रखते हैं कि ऐसे ऐसे करके सांप की तरह भी तुमको स्कूटर निकालनी है उसमें से, निकाल के दिखाओ। गाड़ी चलानी है, रेड लाइट भी बनी रहती है, पुतला भी खड़ा रहता है, अचानक पुतला बीच में कर देते हैं, ब्रेक लगाओ, अब रोक के दिखाओ। तो लाइसेंस कब मिलता है? जब हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं, फिर कहते हैं आप पास हो गए, अब आपको लाइसेंस बना के देंगे। अब लाइसेंस मिलेगा ना जब हर्डल्स पार कर ली। जीवन में भी हर्डल्स तो आएंगे, पर पार करना सीखो ना। स्कूल में नहीं खेलते थे बाधा दौड़? होती थी ना, कभी कुछ लगा रहता था, कभी कुछ लगा रहता था, क्रॉस करो, जंप करो इनको, वे जंप करके पार चले गए तो फिर हमको इनाम मिलता था। हर्डल रेस में फर्स्ट आए, हर्डल रेस में सेकंड आए, मिलता था इनाम। जीवन में भी हर्डल्स तो हैं, जीवन इसी का नाम है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन इस जीवन की रेस में आप भी जीत के दिखाओ, सारी बाधाओं को पार करते हुए
फिर अपने भगवान तक पहुंच जाओ। सारी बाधाओं को पार करते हुए फिर आनंद में आ जाओ। सारी हालतों के होते हुए भी, अब कई बार किसी के घर कोई परिस्थिति नहीं होती है तो बड़ा अच्छा सत्संग का नियम बन जाता है, फिर कोई हालत आई फिर कहते हैं क्या करें, हम कहते हैं अब तो असली समय है सत्संग, निकल के आओ। अब पता चले ना सत्संग तुमने जीवन में कितना उतारा, अब पता चले तुमने सत्संग को जीवन बनाया कि नहीं बनाया, कारण आने पे पता चले। तो अगर कारण कोई आ भी गया, इसको पार करो ना, वहां रुकना बैठना थकना ये थोड़े ही है, आगे चलो, देखते हैं भगवान ने क्या मार्ग रखा है, देखते हैं भगवान ने क्या सोचा है, चलो आगे। और जो चल पड़ता है उसके रास्ते बनते हैं। एक आदमी बैठा बैठा सोचता रहे, आज समझो हम यहाँ बैठे बैठे सोचते रहे, मुझे लुधियाना जाना है, लुधियाना जाना है, लुधियाना जाना है, पहुँच जाएंगे हम, उठेंगे बाहर निकलेंगे, किसी से पता चलेगा भाई यहाँ से बस अड्डे चले जाओ, बाईपास चले जाओ, वहाँ से आपको सीधी बस मिल जाएगी। जो उद्यमी नहीं होगा उसको रास्ता नहीं मिलेगा, उद्यमी को रास्ता मिलता है। अभी सत्संग आना था, घर से निकले होगे ना, फिर सोचा होगा बस पकड़ें, मेट्रो पकड़ें, कैब करें, चले जाएं, तभी तो आए होंगे। जो लोग घर में रजाई में दुबके बैठे हैं, बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है, पड़े हुए हैं, लेकिन जिसने हिम्मत की उसको मार्ग मिल गया, आ गया वो। तो जब हम जीवन में भी आगे बढ़ते हैं, टॉर्च है समझो आपके हाथ में, अब टॉर्च आपकी 5 फुट रास्ता दिखा रही है, आपने जाना 50 फुट है, आप कहते हो मैं कैसे जाऊं, टॉर्च तो मेरी 5 फुट ही रास्ता दिखा रही है, पर 5 तुम आगे बढ़ोगे टॉर्च और आगे 5 नहीं दिखाएगी। गाड़ी की लाइट कितनी दूर तक जाती है, 200-200 किलोमीटर चले जाते हो, क्यों, जो गाड़ी आगे बढ़ती है लाइट आगे बढ़ती है, रास्ता दिखता जाता है दिखता जाता है, चले जाते हैं। बैठ के अंधेरों को सोचने से बेहतर है अगर एक दिया भी है तुम्हारे पास उसको लेके बढ़ चलो। अंधेरों का चिंतन क्यों करते हो, अंधेरों के विषय में क्यों सोचते हो, ये क्यों ख्याल करते हो कि अंधेरा है मैं कैसे चलूं, ये सोचो मेरे पास जो छोटी सी भी रोशनी है वो मेरे को रास्ता पार करा सकती है, मैं उसके भरोसे चल सकता हूं, चले जाओगे। ईश्वर पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। बैठ के सोचने वाले का कोई काम रास नहीं होता, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ चीजों के सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, जिंदगी तो ऐसे आगे बढ़ती है। इंसान जिद पकड़ के बैठ जाए मेरे आगे तो ये हालत आ गई मैं क्या करूं क्या करूं, क्या होता है, सड़क पे भी लाल बत्ती आ जाती है पर हमको ये भी तो पता है हरी होएगी, खड़े रहते हैं वापस थोड़ी मुड़ जाते हैं, तो लाल बत्ती होगी चलो वापस चलते हैं, खड़े रहते हैं अभी हरी हो जाएगी, खड़े हो जाते हैं उधर, गाड़ी भी बंद नहीं करते, अभी हरी होने ही वाली है फिर चलेंगे। तो जीवन में भी कोई बात आ गई तो ऐसी लाल बत्ती तो कोई नहीं है ना जो हरी नहीं होगी, ये भी हरी होगी। तुम्हें राह नहीं दिख रही कोई बात नहीं, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, रब की रजा पे तू छोड़ दे है बंदे, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान करेगा। भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन हम भगवान का पल्ला पहले छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले भगवान का पल्ला छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये हालत है भगवान मैं तेरे तक भी कैसे आऊं,
मैं तो नहीं आ सकता हूं, मैं तो मजबूर हूं, सबसे पहले भगवान का पल्ला छोड़ते हैं। अब जो परमात्मा सब कर सकता है, तुमने उसका ही पल्ला छोड़ दिया, तो बताओ जरा सदगति को कैसे प्राप्त करोगे? सोचने वाली बात तो ये, परमात्मा का ही पल्ला छोड़ दिया तो मुश्किल का प्रभाव तो और ज्यादा ही हो जाएगा, और ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। मन की शांति गई, चैन गया, क्रोध का स्वभाव बन जाएगा, तनाव हो जाएगा घर में, अपने ही अंदर से ऐसे लगेगा पता नहीं मुझे क्या हो गया। फिर धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर बनने लगेगा, डिप्रेशन आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आ जाएगा, धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। क्रोध के परिणाम तो यही होते हैं ना। अब अंदर सारा दिन तुम हालतों से परेशान रहो, सत्संग में आके तो दिल अलग हो जाता है, मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, अदरवाइज क्या हालत होती है? घर में बैठ के तो विकार ही बढ़ते हैं, स्ट्रेस ही बढ़ता है, दुख ही बढ़ता है, प्रॉब्लम्स ही बढ़ते हैं, क्योंकि कोई वे आउट समझ में नहीं आता, स्ट्रेस होता है, फिर सारा दिन या तो टेंशन है या गुस्सा है या सबसे लड़ाई है, यही कुछ होता रहता है। क्रोधी लोग कई एक्सक्यूज भी देते हैं, मैं क्या करूं ना, मेरे को पता है मैं अंदर से बहुत परेशान हूं। अब तुम परेशान हो तो हरजाना सारे भुगते हैं क्या? तुम क्यों परेशान हो? तुम चलो गुरु के पास, अपनी परेशानी का इलाज कराओ, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी परेशानी का इलाज हो जाएगा, चलो गुरु के पास। लेकिन बैठ के गुत्ते रहेंगे और हाथ में है कुछ नहीं। या तो एक व्यक्ति के हाथ में कुछ है तो सोचे हाँ भाई ये बैठ के गूथ रहा है, चलो कोई फायदा होगा, मथनी तू जल में चला रहा, घी निकलने की आस है, अब फायदा कोई होगा नहीं, हड्डियां ही दर्द करेंगी तेरी, पानी में मथनी चला रहा है कोई, सोच रहा है इसमें से मक्खन निकलेगा फिर मैं घी बनाऊंगा। तो दुनिया में देखो जो लोग टेंशन्स कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? मथनी जल में चला रहा और घी निकलने की आस है। अगर तेरे ही हाथ में होते सारे सॉल्यूशन फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तेरे पास तो अपने एक विचार का भी सॉल्यूशन नहीं है कि अपने मन का एक ख्याल हटा ले। तेरे मन में जो ख्याल घुस के आ जाते हैं, तुम अपने मन का एक जरा ख्याल ही दूर करके दिखा दो, इतना सही सॉल्यूशन कर लो। तुम्हारे पास तो इतना सॉल्यूशन भी नहीं है। अपने क्रोध को जीत के दिखा दो, अपने फिक्र गम छोड़ के दिखा दो, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचते हैं सारा समय हम, सोच के ना कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, बेकार है। तेरे सारे ख्याल, तेरी सारी सोच, तेरा सारा मन का शोर बिल्कुल बेकार है, कोई लाभ निकलने वाला है ही नहीं उससे, रैट रेस चल रही है, चूहा सारा दिन भाग रहा है, क्या कर रहा है? बिगाड़ ही कर रहा है, कुछ भला तो कर नहीं रहा, कोई ना कोई चीज कुतर जाएगा, काट जाएगा, या फिर बिना मतलब दौड़े जा रहा है, टिकता नहीं है चूहा, भागता रहता है। कभी चूहे को बैठा हुआ नहीं देखोगे, पिंजरे के अंदर भी देखो हलचल मचाए रखता है, पकड़ लो ना पिंजरे में, हलचल 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 उसका स्वभाव है। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकल रहा है क्या? कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तुम्हारा मन भी कुड़ 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 चूहे की तरह लगा हुआ है सारा दिन, क्या परिणाम निकलेगा? परिणाम तो कोई भी नहीं निकलेगा, रिजल्ट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। तू खामखा अपने को परेशान कर सकते हो, बाकी तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है, अब कुछ बनना तो है नहीं, बना हुआ है सब पहले से, तो क्यों ना फिर उठ के चलो। अब एक बच्चा सड़क पे गिर जाता है, वो लेट जाता है, रोने लग जाता है, हाय मम्मी मैं गिर गया गिर गया, पर समझो एक बड़ा व्यक्ति गिर जाए,
वो पड़ा रहेगा क्या? वो उठ जाएगा, उल्टा कोई पास भी आएगा, लगी तो नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चाहे झरीटे आ गई हो, खून आ रहा हो, उस टाइम चुपचाप आ जाएगा घर में कपड़े झाड़ के, घर आके देखेगा, अरे बहुत लग गई है, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर उस समय तो उठ जाता है ना, पड़ा तो नहीं रहता वहां पर। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी स्थिति उस बच्चे की तरह है, हर हालत का रूप बन जाएगा, बैठ जाएगा पकड़ के, याद करेगा, गुथेगा उन बातों को, सोचता रहेगा, टेंशन लेता रहेगा, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, पूरा घर भी डिस्टर्ब करे रखेगा। लेकिन जो भगत है, सियाणा है, ज्ञानवान है, वो कहता है ठीक है, ये भी गुजर जाएगा, मैं अपना मन परमात्मा में लगाऊं, मैं इस चिंतन से तो छूटूं, मैं अपना समय क्यों खराब कर रहा हूं, मैं इतना दिमाग में प्रेशर लेके क्यों चल रहा हूं, मैं तो रिलैक्स होके जीऊं, भगवान ने कोई तो हल निकालना ही है हर चीज़ का, और अगर हुक्म है भगवान का तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, नहीं है हुक्म तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो अंदर एक निश्चय करके चलता है आगे, तो जीवन में कुछ उपलब्धि हो जाती है। खाली ख्याल करने वाले लोगों को जीवन में प्राप्ति कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ सोचते रहते हैं, बस बातें करते हैं। सत्संग की भी कोई बातें करे बैठ के तो उपलब्धि थोड़ी होती है, कुछ पुरुषार्थ चाहिए होता है। यहाँ पर भी खाली हमको बातें करनी आ गई, कोई फायदा ही नहीं होगा, खड़े वहीं के वहीं हैं, आगे बढ़े नहीं जरा सा भी। लेकिन जिसके जीवन में पुरुषार्थ होता है वो रोज एक 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 कदम आगे बढ़ जाता है, रोज आगे निकलता है, रोज मेहनत करता है। हम आज याद कर रहे थे किसी को हम जानते थे, उनका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कुछ नहीं था। पहले जमाने में तिल्ले वाली साड़ियां होती थी, तिल्ला बिक जाता था, तुम्हें याद होगा, प्योर तिल्ला होता था ना, बिक जाता था। तो उन्होंने अपने घर में सिर्फ इतना काम किया हुआ था कि किसी ने साड़ियां उधड़वानी हो तिल्ले तो मेरे को दे देना। कभी भी हम लोग जाते थे वो सुई लेके बैठे रहते थे, तिल्ला उधेड़ते रहते थे। अब अगले ने इससे भी काम चला लिया, अपना घर चला लिया, आदमी की इनकम कम थी तो कमाई, एक्स्ट्रा कमाई कर ली। हम बोलते थे आपको कितना मिल जाता होगा इससे, छोटे थे हालांकि हम लोग उस समय, कितना मिल जाता है? बोला इतना तो हो जाता है, रोज की सब्जी फ्रूट तो ले ही आती हूँ, इतना तो निकाल लेती हूँ तिल्ला उधेड़ने से ही। मुश्किल काम होता है, सारा दिन सुई लेके बैठो, और अगलों के तो एक दो साड़ियाँ होंगी, उसको खास फर्क नहीं पड़ा, उनका काम बन गया। और पता चल गया धीरे धीरे, उनके घर एक बेड होता था उस पर ढेर लगी रहती थी साड़ियाँ। बोला इतने लोग दे जाते हैं तिल्ला उधेड़ने के लिए, रात को भी टाइम मिल जाता है, सुबह भी, दिन में भी टाइम मिल जाता है, घर में सब होते नहीं हैं। अब आ गई ना युक्ति, काम करना था किसी को तो आ गई युक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर चीज़ का तो फैशन आ गया, मॉल में बिक जाता है, मटर भी छिले हुए, साग भी कटा हुआ, तो कोई तो करता होगा ना काम, ये वाले भी कुछ तो मिलता होगा उसको करने का। तो देखो बन जाते हैं, साधन भी बन जाते हैं। इंसान हिम्मती होना चाहिए, हिम्मती नहीं है तो साधन कोई नहीं है, हिम्मती आदमी को साधनों की कोई कमी नहीं है, हर कोई कर सकता है। अभी सुबह को हमारे पास इतनी दूर दूर से लोग पहुंच जाते हैं, कहते हैं तीन मेट्रो बदल के आए। अरे तुम सुबह 9 बजे सत्संग भी पहुँच गए, तीन मेट्रो भी बदल के आ गए, घर की सेवा भी कर आए, तो समझ में आता है लगन वाले को, शौक वाले को रास्ते बन जाते हैं ना, लगन वाले को रास्ते बन जाते हैं। कहीं लेडीज को रास्ते बन जाते हैं, जेंट्स को नहीं मिलते रास्ते, वो टाइम ही नहीं मिलता, निकल ही नहीं पाते, आ ही नहीं पाते, मन हरामी उजता ढेर। और कहीं लेडीज इतनी पुरुषार्थी हैं, तीन तीन मेट्रो बदल के दूसरे शहरों से आ जाते हैं, रोडवेज की बसें पकड़ के। अक्सर करके हमारे पास चंडीगढ़ से लोग आते हैं, रात को वो लोग 2:30 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, 3 बजे बस पकड़ते हैं,
सुबह सत्संग पहुंच जाते हैं, नाश्ता भी हमारे पास आके खाते हैं, आराम से सत्संग भी सुनते हैं। कहते हैं आ रहे थे, लगा आज का सत्संग मिस नहीं करना चाहिए, हम लोग निकल लिए रात को। तो रास्ते तो बन जाते हैं ना, जिसको शौक है, जिसको प्रेम है, उसके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो हम शौक रखें, उत्साह रखें जीवन में। बैठ जाने से क्या होगा कि हम बैठे हैं, कोई यूज निकलेगा क्या उसका? हालतों के आगे समर्पित हो जाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। हालत के आगे हार ना मानना और जोश से आगे बढ़ना, ये तुम्हारी जीत है। बैठना नहीं है हार के कि हम थक गए, हम हार गए, हम परेशान हो गए, हम क्या करें, हम कैसे करें, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। बैठने से क्या होगा, किसी उद्यम में लग जाओ, कुछ तो हल निकलेगा, कुछ तो करो। लेकिन हम बैठे हैं खाली, हो ही नहीं रहा, क्या करें, देखते हैं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, फिर तो नहीं हो पाएगा। नेगेटिव थॉट आते ही आपका शरीर भी जवाब दे देगा। इतनी अजीब बात है ये, जो व्यक्ति अंदर से नेगेटिव सोचता है उसको वीकनेस आ जाती है, बॉडी में भी वीकनेस आ जाती है। जो पॉजिटिव सोचता है उसकी वीकनेस आई हुई भी दूर हो जाती है। तुम्हारे अंदर गुरु का वचन चला जाए, तुम कितना अपने को दुखी कमजोर महसूस कर रहे होते हो, ऐसे लगता है ताकत आ गई, कोई ग्लूकोज चढ़ गया कोई, और एक ख्याल नेगेटिव आ जाए तो ऐसे लगेगा मेरे शरीर की शक्ति चली गई सारी, मैं कमजोर हो गया, मैं परेशान हो गया। आहार माना विचार, आज सुबह दादा भगवान की वाणी चली थी, आहार माना विचार। आपका जो शरीर है आहार से ताकत नहीं पाता, आपके विचार से ताकत पाता है। एक आदमी खाता तो काजू बादाम पिस्ते है, विचार नेगेटिव हैं तो ताकतवर नहीं मिलेगा, कमजोर मिलेगा। और एक व्यक्ति खाता सूखी रोटी है प्याज से, पर विचार उसके बड़े अच्छे हैं तो वो आपको ताकतवर मिलेगा। आप लोग पिस्ते बादाम खाते हो और स्टेशन पे पहुंच के कुली से टैची उठवाते हो, वो क्या खाता है? सूखी रोटी खाता है, उसमें ताकत ज्यादा है। तो इसका मतलब खाने में ताकत नहीं है ना, विचारों में। आपके विचार ही ऐसे हैं, चिंताएं, ख्याल, फिर मैं थोड़ी उठा सकता हूं इतना बोझ, तुम अपनी टैची नहीं उठा सकते, वो चार की कट्ठी उठा लेता है, उसका विचार है आई कैन। कभी पूछो भी भैया आप इतनी उठा लोगे, कहता क्यों नहीं, एक और भी दे दो, लाओ जो बैग तुम्हारे हाथ में है वो भी दे दो, सब उठा लूंगा मैं, उसका विचार है। तो जो सोचता है मैं समुद्र पी जाऊंगा वो पी जाएगा, जो सोचता है मैं लड़ जाऊंगा इन हालतों से वो लड़ जाएगा। बाकी जो बैठ के सोचता रहे, अफसोस मनाता रहे, बैठा रहे, दरी बिछा के बैठ के रोता रहे, उसने कभी नहीं उठना जिंदगी में, क्योंकि वो सोच रहा है जब हालतें ठीक होंगी तब मैं उठूंगा। हालतें सालिम एट ए टाइम कभी भी नहीं होती हैं। आदमी गया समुद्र किनारे, सुबह सुबह चला गया, शाम हो गई, खड़ा है किनारे, खड़ा है किनारे, संत ने देखा, बोला क्या हो गया तू सुबह से ऐसे ही खड़ा है, ना लहरों का मजा ले रहा है, ना नहा रहा है, ना घर जा रहा है, हुआ क्या है? कहते है, संत जी मैं इंतजार कर रहा हूं, जरा लहरें रुक जाएं तो मैं नहा लूं। संत हंसने लगा, बोला तू सारी जिंदगी खड़ा रहे, ना लहरें रुकेंगी ना तू स्नान करेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं परिस्थितियां ठीक हो जाएं, अब ना परिस्थितियां ठीक होंगी ना वो आदमी कभी उन्नति करेगा, ना खुश होएगा, खड़ा रहेगा उधर का उधर, ये हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, वो हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, ये कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। सब कुछ जब तक अकॉर्डिंग होगा शरीर तुम्हारे विपरीत हो जाएगा।
फिर शरीर को रोते रहना, कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा। सारी परिस्थितियां एकदम से किसी की भी ठीक नहीं होती हैं, चाहे बड़े से बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो उसके सामने भी है, कोई ना कोई हालत तो उसके लिए भी खड़ी है। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। सबके सामने, जैसे हर महीने में एक अमावस्या जरूर है, हर एक के जीवन में समस्या भी जरूर है, समस्याओं के पार जाना पड़ता है। भाई क्रिकेट खेलते हैं तो कौशल क्या है उधर, अगला कैसी भी बॉल फेंके तुम छक्का लगा के दिखाओ, रन बना के दिखाओ, यही कौशल है ना उधर, और कोई कौशल है? यही वाला कौशल है। अब भगवान बॉलिंग कर रहा है, प्रकृति बॉलिंग कर रही है, तुम्हारे हाथ में ज्ञान का बैट है, छक्का लगा के दिखाओ, जीत के दिखाओ, हालत से पार जाके दिखाओ, काय बैठ के रो रहे हो? भगवान से कंप्लेंट करते रहते हैं। भगवान बोलता है मुझे क्या सुना रहे हो, मैं तो जानता ही हूं, ये पेपर तो मैं नहीं बनाया। स्कूल में ना कभी शोर मचाते थे, आउट ऑफ सिलेबस है, तो सब्जेक्ट टीचर को बुला देते थे, वो आके बोलती थी हाँ बताओ कौन कह रहा है आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने बनाया पेपर, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन है, सारे ठंडे होके बैठ जाते थे। बोलती थी अभी पेपर दो, पेपर के बाद मिलना, बता दूंगी स्टाफ रूम में कौन से चैप्टर में से लिया था मैंने, टीचर को तो पता है मैंने बुक में से लिया है, भगवान को नहीं पता मैंने कहां से भेजा है क्वेश्चन। तुम सोचते हो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, तेरे ही कर्मों का फल तेरे को देता हूं अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता। और उसको भी छोड़ना, सबसे बड़ी बात है मैं तुझे स्ट्रांग बनाना चाहता हूं। छोटे बच्चे को आप लोग उछालते हो, गेंद है कोई नहीं, उसको निर्भय बनाने के लिए उसको तरह तरह के टॉयज लाके देते हो, फूकने वाले, बजाने वाले, हाथ की मांसपेशियां मजबूत हो जाएं, उसके फेफड़े अच्छी ऑक्सीजन ले पाएं, भाई इसको फूक मार देख गुब्बारा फूलेगा, बजेगा, अच्छा सीटी बजा, किस लिए बनी है ये चीजें? उसको स्ट्रांग करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। भगवान तुम्हारे सामने हालतें भेजता है किस लिए? तुम्हें एक्टिव करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, नहीं तो दब्बू बन के ना बैठ जाते घर में, नहीं तो ऐसे घर के चोले चूल्हे चौके में ही सिर दे के ना पड़े रहते, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे अनपढ़ और बेकार ना रह जाते। भगवान ने क्यों भेजी है हालत कि बेटा तू आगे बढ़, तू आगे चल, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए थोड़ी हालत भेजी है, तुम्हें एक्टिव बनाने के लिए, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए भेजी है कि तुम और मजबूत बन सको, तुम्हारे अंदर की शक्तियां और प्रकट हो सकें, तुम्हारे अंदर विकास हो सके, तुम्हारे अंदर और हिम्मत बढ़ सके, इसके लिए भेजी है हालत तो भगवान ने। निखारना चाहता है भगवान तुम्हें, डुबाना या गिराना नहीं चाहता, निखारना चाहता है। तो निखरो, डरते काहे को। अब राम जी के सामने अगर ये वनवास का चैप्टर ना आता तो एक साधारण राजा की जिंदगी जी के चले जाते, कोई जानता भी ना उनको। एक वनवास का चैप्टर आ गया सामने, अब लोग कह कई को गाली देते हैं, असल में तो राम को भगवान बनाने वाली कह कई है, नहीं तो राजा राम रह जाते, कैकई की वजह से भगवान बन गए। सोच के देखो, कैकई की वजह से
तुम उनको भगवान जानते हो। हालत आई ना, उसने इतना निखारा कि वैसे साधारण राजा होते अब दुनिया के भगवान हो गए। तो क्या सिखाया उन्होंने अपने आचरण से, आदर्श से, रामायण से, क्या सीखा हमने कि अगर हालतों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे और जीतोगे तो तुम तो दुनिया के भगवान हो सकते हो। और तुम कहां हालत को पकड़ के रोने बैठ जाते हो, दुखी हो जाते हो, अपने आप को अशांत परेशान कर लेते हो, सोचते हो पता नहीं क्या ही हो गया हमारे साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, भगवान तेरे साथ चल रहा है, भगवान तेरे साथ है, चल आगे। देखो जो टीचर कठिन पर बनाती है फिर कभी कभी वो बच्चों को युक्ति से हिंट भी दे जाती है। बच्चे जब कहते नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों, फलाने चैप्टर में से है, बस इतना बोल बच्चों को दिमाग में आ जाता है, अच्छा अच्छा इसका आंसर इस सेंस में लिखना है। पढ़ा नहीं तुमने, 8th चैप्टर था फलानी चीज का, उसी का ही तो क्वेश्चन है, क्या आउट ऑफ सिलेबस है, हिंट दे गई बच्चों को, बच्चे आधे से ज्यादा क्लास रिलैक्स हो जाती है, हाँ समझ आ गया मैडम, हिंट दे गई ना। अब जिन मरों ने पढ़ा ही नहीं वो क्या समझें, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो बेचारे क्या करें, यही तो सच है। तो परमात्मा अगर कठिन पेपर बनाता है सॉल्यूशन भी बनाता है, हिंट भी देता है, गुरु रूपी गाइड भी दे देता है। पीएचडी करते हैं बच्चे उनको गाइड मिल जाता है, एक गाइड अलॉट हो जाता है। अब रिसर्च तो तुमने करनी है पर गाइड मदद करता है, गुरु गाइड है, मदद करता है, चलो तुम भी आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो चीजों को, चलो आगे, उत्साह से जीते हैं, शौक से आगे बढ़ते हैं, गुरु सिखा देता है। और दुनिया में तुम देखोगे सब ऐसे कमजोर होके गिर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उठते ही नहीं है, वीक होके पड़े रहते हैं, अपने आप को किसी को उठाने की अकल ही नहीं है, दुनिया वाले ना उठा सकते हैं ना उठने देते हैं, उठा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई दुख आ जाए, कोई तुम्हें मेंटली उठा सकता है, उठा ही नहीं सकते वो, और तुम्हारे साथ मिलके रोएंगे, आ जाओ मिलके रो लेते हैं, उठाए कौन, कोई नहीं उठा सकता। और जो उठ भी जाए लोग गिराने की कोशिश करते हैं, तू अभी से हंस रहा है, तू खुश हो रहा है, तेरे साथ तो ये हालत आ गई है, तू कैसे हंस सकता है। देखो ये संसार है, ये समाज है जिसके पीछे तुम भागते हो ना, ये वो समाज है। अगर दुखी है, दुखी को देगा कोई नहीं, सुखी को सहेगा कोई नहीं, संसार का दस्तूर है। दुखी हो दया करके दे दें, नहीं देंगे, सुखी हो तो सहन नहीं करेंगे, ये हंसता क्यों है, ये खुश क्यों है, ये आराम में क्यों है, ऐसा ही है दुनिया का हिसाब। सत्संग आ जाओ, हंसना सीख जाओ, मौज में आ जाओ, चार लोग टोक देंगे, खुश रहते हो, ठीक है सत्संग अपनी जगह है, तेरे बच्चों की शादियां कोई सत्संग कर देगा, सोचना तो पड़ेगा, टेंशन तो लेनी पड़ेगी, सत्संग जाएगा कोई मकान बन जाएगा, सत्संग जाएगा कोई गाड़ी आ जाएगी, अब सुखी को सहेंगे नहीं लोग। अरे जब हम बिना गाड़ी के सुखी हैं, गाड़ी लेके सुखी होने की क्यों सोचें, जब हम कुआरे बच्चों के बाप होके माँ होके खुश हो सकते हैं, पहले उनकी शादियां करा के रोले बढ़ा के सुखी होने की कैसे सोचें, पागल लोग हैं दुनिया के। तुम्हें दुख के रास्ते दिखा के और कहेंगे तुम सुखी हो रहे हो, तुम्हारे सामने तो अभी ये काम पड़े हैं, इनको करो,
वो मैंने थोड़ी करने, जब भगवान को कराने हैं करा देगा, जो जो बना हुआ है वैसा वैसा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी कोई आए सत्संग में, तो बच्चों की शादी है, अब बड़े लोगों को जरा अड़चन होती है पता चल जाए, तो सारा कुछ ठीक हो गया, वो मेरे पास खड़े हो गए, लव मैरिज है, लव मैरिज है। मैंने कहा अच्छी तो बात है, लव होता है तभी तो मैरिज होती है, तुम लोगों की जो बिना लव के हो गई क्या हुआ? अच्छा हुआ लव के बाद हो रही है, बच्चे आपस में सुखी रहेंगे। अब दृष्टिकोण ही तो बदलना है ना, खुद ही री री करोगे तो दुनिया तो उस नजर से देखेगी, जमाना आ गया है, फलान हो गया है, ये हो गया, दुनिया तो शुरू हो जाएगी, पर खुद ही अच्छा देखो, लव के बाद ही तो मैरिज ठीक रहती है। मैंने कहा ये तो राम जी के जमाने से चल रहा है, तुम्हें पता नहीं अशोक वाटिका में देख लिया था दोनों ने एक दूसरे को, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, बाद में शादी हुई थी, धनुष भंग हुआ। अब राम जी को पसंद थी सीता, तो प्यार ही तो ताकतवर ना जो धनुष टूट पाया, राम का बल होगा, सीता के प्यार का बल भी तो था साथ, फिर राम के जमाने से चल रहा, कोई बात नहीं है। पॉजिटिवली लो बातों को, अगले कोई सत्संगी है, सत्संग सुना है, कोई वैराग के मार्ग पर है, दुनिया में तो सब दुनिया की तरह चलेंगे, जमाना चल रहा है चलने दो, अपना नजरिया ठीक करना होता है। दुनिया तो नहीं बदल पाओगे, नजरिया ठीक कर लो अपना, सब कुछ ठीक है, गलत देखो तो गलत है, ठीक देखो तो ठीक है। अब राम जी के लिए कभी नहीं बुरा लगा किसी को, लव मैरिज थी उनकी, लगा बुरा किसी को? किसी को नहीं लगा, जब तुम्हारे यहां रिवाज भी नहीं थे लव मैरिज के उनकी, तो तब से हो गई, फिर क्या परेशानी है? भगवान कृष्ण की हुई, रुक्मणी ने चिट्ठी भेजी थी, आज तेनु कहंदी रुक्मण रानी आमी शाम प्यारिया, उसके प्यार की लाज रखने तो गए थे, भक्ति की लाज रखने ही तो गए थे, रुक्मणी हरण करके लाए थे उल्टा, तुम कहते हो भगा ले गया, भगवान तो उस जमाने में भगा ले गए थे, फिर सब तो लीला करके तुम्हें दिखा दिया है, भाई मेरी दुनिया में कुछ भी होएगा तुम स्वीकार कर लेना, दुखी ना होना, हैरान परेशान मत होना, रोना मत, चलते चलो आगे, सब दिखा दिया, ये दुनिया है इसमें चलेगा, ये माया है, माया मेरे राम की खिन आवे खिन जावे, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जावे, अब तुम्हारी मर्जी, या तो राम से मिल जाओ, हालतों के सदके भगवान से प्यार कर लो, नहीं तो बैठे रहो नरक बना के अपना। हमारे दादा भगवान ने एक दिन सत्संग में बोला, क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा, सारे क्रोधी इतने खुश हो गए, तो दादाजी बड़ा अच्छा ज्ञान बोलते हैं, क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा, बोला क्रोधी बैठा कहाँ है, पहले ही नरक में बैठा है, उससे अच्छा नरक भगवान उसके लिए क्या बनाएगा, उसने पहले ही नरक बना के वो बैठा हुआ है, अपने आप ही झुलसता रहता है, दूसरे को तो क्रोध करेगा, अंगीठी खुद जलेगी तो सेक देगी ना, पहले खुद अच्छी तरह सड़ लेगा फिर सेक देगा थोड़ा सा, वो भी कोई करीब आएगा तो, नहीं तो लोग जब समझ लेते हैं क्रोध का स्वभाव, दाएं बाएं हो जाते हैं, कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता, छुट्टी, बैठा भाई सड़ता रहे, अपने आप अंगीठी सुलगती रहे, तो क्रोधी जहां बैठा है वही नरक बना के बैठा, क्रोधी ने नरक में क्या जाना, क्रोधी को किसी नरक का डर नहीं है, वो सारी जिंदगी नरक में ही जीता है, क्योंकि क्रोध का स्वभाव, चिड़चिड़ करने का स्वभाव, दुखी रहने का स्वभाव, क्रोध दो मुई बला, जैसे दो मुआ सांप होता है ना, दो तरफ से डंक मारता है, क्रोध दो मुई बला है, इंसान खुद भी सड़ता है, सामने वाले को भी जलाता है, सामने वाले को भी तंग करता है, खुद शांति में नहीं रह सकता, सोचता है दूसरे शांति में क्यों है, मैं परेशान हूं ये रिलैक्स क्यों है। देखा अभी सत्संग सुन लोगे ना, शांति में जियोगे, चिंताएं नहीं करो, घर वाले पकड़ पकड़ के, तेरे को तो कोई फिक्र ही नहीं है, तू तो सोचियो ही मत, बस तू तो खुश रह अपना, तो क्या करें, तुम्हारी तरह बेवकूफ बन जाएं क्या,
हमें समझ आ गया भगवान करने वाला है, कहेंगे चिंता कर चिंता कर, लड़की कुआरी बैठी है चिंता कर, तो चिंता से दुल्हा क्रिएट हो जाएगा, चिंता से कोई दुल्हा पैदा हो जाएगा, चिंता से दुल्हा प्रकट हो जाएगा। चिंता कर, फिकर कर, दुख कर, ऐसे दुनिया के लोग अजीब अजीब प्रेरणाएं देते हैं। फेस करते होगे तुम लोग भी घरों में, तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, हम परेशान हो रहे हैं, तुम अपना खुश हो, तो भाई तुम भी मत तो परेशान, हम तो कह रहे हैं नहीं, तू भी परेशान हो के दिखा मुझे, तू भी चिंता करके दिखा, तू भी रो के दिखा, तू भी उलझ के दिखा। भाई तू एक इतना भगवान का मुनीम बना बैठा है, भगवान का काम संभाले बैठा है, बहुत है ना, मुनीम ही तो है भगवान का, भगवान का काम संभाले बैठा है, अपना घर मैं चलाऊंगा, अपनी फिक्रें मैं करूंगा, अपने आप की परेशानियां मैं सुलटूंगा, कौन हुआ, भगवान का मुनीम हुआ, सोचता है मैं कर लूंगा कुछ। भगवान ने मुनीम रखा भी नहीं, फिर भी बना बैठा जबरदस्ती, क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकते ना ऐसे लोगों का। कई पढ़े लिखे लोग आते हैं हम लोगों के पास भी, अकाउंट्स का काम दे दीजिए, फलाना दे दीजिए, बोला हमारे पास तो यही नहीं, सीए करता है वो, पर उनको लगता है कि चलो हमको आता है तो हम कुछ काम करें, हम कहते हैं बैठ के लिखो पढ़ो, अपना पुरुषार्थ करो, यत्न करो, सत्संग करो, जिसके लिए यहाँ आए हो। तुम भी ईश्वर की सृष्टि में किस लिए आए हो, आया था हरि भजन को ओटन लगा कपास, आए हरि भजन के लिए, फालतू के काम करे जा रहे हैं, ना ये बाल बच्चे तेरे, ना ये घर गृहस्थी तेरी, अभी तेरी आंखें बंद हो जाएं, कौन है तेरा, कौन है तेरा, सोच के देख, कोई नहीं है तेरा, ये जगत कोई अपना है क्या, ये तो सपना है, घटना है, कहानी है, लेकिन इसको लेके हम इतने ज्यादा इमोशनल हुए रहते हैं, इतने ज्यादा टेंशन्स कर लेते हैं जैसे पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है। और जिसको अपना सुख जहां मिल जाएगा वो बाय बाय करके चला जाएगा, बच्चों को फॉरेन में मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज भाग तो जाते हैं, मिल जाती हैं नौकरियां वहीं सेटल हो तो जाते हैं, कौन होगा तेरा सोच ले तू जरा, फिर काहे को नेह लगाए, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहां कोई मन ना लगाए, मन लगाने का कोई फायदा है नहीं, यहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं, आखिर में हैरानी हाथ आएगी, हैरानी और परेशानी, तो क्या लाभ उस चीज का। इससे अच्छा है अपने मन को सिमरन में लगाओ, सिमरन के फिर भी फायदे हैं, प्रभ कह सिमरन दुख ना संतापे, प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे, प्रभ कह सिमरन भवना व्यापे, प्रभ कह सिमरन सर्व सुख होवत। पढ़ो जाके ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी ने सिमरन के कितने फायदे लिख दिए, लेकिन हम सिमरन की बजाय स्मरण करते रहते हैं संसार का, तो उससे तो हमारे भार ही बढ़ेंगे ना, परेशानियां ही बढ़ेंगी ना, क्या करोगे याद करके, सारा दिन संसार की कोई ना कोई बात याद करके अपने लिए हम अशांति खड़ी करे रखते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी याद करते रहते हैं जो उल्टे हमें ही परेशान करके चली जाती है, हमें ही दुख दे के चली जाती है, फिर हम कहते हैं भगवान ने दुख दिया, भगवान ने क्यों दुख दिया, हालत को एक्सेप्ट करने का वे था, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते दुख ना लगता, नेगेटिवली एक्सेप्ट किया दुख लगा, दुखी हुए अपने ख्याल से दोष मढ़ दिया भगवान पे कि भगवान तूने मेरे को दुख दिया, भगवान हैरान हो जाता है मैंने कहां दुख दिया, मेरा तो जगत स्मूथली चल रहा है, दुख और सुख तेरी कल्पना, दुख और सुख तेरा ख्याल, दुख और सुख तूने बनाया अपने विचारों से, मैंने तो कुछ दिया नहीं किसी को, मैंने तो किसी के पास कोई दुख सुख हालत भेजी नहीं, तूने अपने आप ही बना लिया सब कुछ, दुखों का निर्माता तू आप है, अपनी हालतों को बनाने वाला तू आप है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं अपने ख्याल को एक सही दिशा दे के और आगे चलें।
मंदिर में प्रसाद मिलता है, हम दोनों हाथ आगे करके ले लेते हैं। जब परमात्मा खुद हालत रूपी प्रसाद भेजता है तब हम कुड़ 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 क्यों करते हैं, चिड़चिड़ क्यों करते हैं, हम उस समय क्यों नहीं रिलैक्स रहते? कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं उनके पैरे देने शुरू कर देते हैं। अरे जिसने बिगड़ना है वो पैरों में भी बिगड़ जाएगा, जिसको भगवान भरोसे छोड़ोगे वो गिरता हुआ भी संभल जाएगा। विश्वास की बात है, विश्वास रखो ना परमात्मा पे। मैं बैठा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं फिक्र करूंगा। कितने पढ़ा लिए तुमने, कितने पास करा लिए तुमने? सोच है बस, यही मैं है तुम्हारी जो तुम्हें तंग कर रही है, यही मैं है तुम्हारी जो तुम्हें परेशान कर रही है। बात तो सारी अपने झूठे अहंकार की है और थोड़ी कुछ है। परमात्मा की तरफ से सब बना हुआ है, लेकिन तुम जो बीच में अपनी चलाना चाहते हो, तुम ऐसे ही टपक पड़े हो बीच में अपनी चलाने के लिए। उधर तो सब हुआ पड़ा है। अब शादी में गए, कैटरर से बात हुई हुई है, होटल में ऑलरेडी सब अरेंजमेंट है, शांति से बैठो। तुम्हारा कोई फूफा चाचा पुराने जमाने वाला सोचे हलवाई को देखना है, कहाँ बैठा है हलवाई, कहाँ बैठा है? भाई होटल की किचन में नो एंट्री है, बैठ जा बाहर, आ जाएगी रोटी बाहर। अरे देखो तो सही, पूड़ियाँ निकाली हैं उन्होंने, देखो तो सही फलान। आप बाबा जी चुप करके बैठ जाओ, रोटी आ जाएगी। भगवान की किचन में नो एंट्री है, घुसना अलाउड नहीं है उधर। तुम चुपचाप बैठो, तुम्हारे सामने सब कुछ आता जा रहा है। मन को शांत करने का उपाय सत्संग है। सत्संग में बैठ जाओ, निर्भय निर्वैर मजे से आनंद में आ गए, और बैठे रहो संसार में धक्का मुक्का खाते रहो, होगा फिर भी वही जो राम रच राखा। ये भी एक हैरानी की बात देखो, तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा वही जो राम रची राखा। तो जब राम का रचा ही होना है तो करने दो उसको। तुम बैठो आराम से, तुम हरि भजन करो, हरि गुण गाओ, तुम अपना सत्संग करो। फिक्र करींदा बांवरे जिक्र करे कोई साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तुम लग जाओ उसके जिक्र में, फिक्र तो वो अपने आप कर लेगा, पर तुम फिक्रों में उसका जिक्र भी भूले बैठे हो, अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो, अपने घरों के माहौल भी नरक बना रहे हो, फालतू का दुख उठा रहे हो। पहला काम सत्संग, पहला काम सिमरन, बाकी सब होता रहेगा, होने ना होने में फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आई बात समझ में? हाँ सही बात है। हाँ गुरु आनंद में रहने की युक्ति देता है, आनंद में आ जाओ, मस्ती में आ जाओ, सुखी हो गए ना। उधर पीछे वो हाथ उठा रहे हैं। हरिओम भैया जी। भैया जी आज का सत्संग बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशनल था, क्योंकि हर उसमें आपने बताया, जैसे कि आपने मथानी और पानी वाला एग्जांपल दिया, कितना अच्छा था। मतलब हमारे चाहने करने से कुछ नहीं होएगा, जब तक हमारा खुद का प्रसाद नहीं होएगा, हम खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। उसके बाद जैसे आपने बताया कि वो साड़ी और तिल्ले वाला एग्जांपल दिया, कुली वाला एग्जांपल दिया, तो मतलब उससे हर चीज़ यही समझ में आने, मेहनत हमें खुद करनी है, अब छोड़ना भगवान पे है। क्योंकि होना वही है जो भगवान ने सोच रखा है, सारी सृष्टि होनी वही है, पर हम टेंशन लेके या हम अपने ऊपर सोच सोच के शरीर से पुरुषार्थ करने में बुराई नहीं है। शरीर तो पुरुषार्थ करता नहीं, मन ही पुरुषार्थ में है सारा दिन। रात को सोने के समय भी मन पुरुषार्थ कर रहा है, चिंताएं कर रहा है, फिक्र कर रहा है, क्रोध कर रहा है। मन का पुरुषार्थ छोड़ो, तन का पुरुषार्थ करने की तो मना ही नहीं।
लेकिन मन का पुरुषार्थ तो छोड़ो, मन बिना मतलब काम में लगा हुआ चूहे की तरह सारा दिन चले जा रहा है, चले जा रहा है। थैंक यू भैया जी। हरिओम भैया जी। भैया एक बात इतनी अच्छी समझ में आई आज के पूरे उसमें कि परिस्थितियां जो भी आती हैं उसमें हमें बिखरना नहीं है, उसमें हमें निखर के आना है, तभी हमारी असली पहचान है कि हम कुछ सुन रहे हैं। अगर हम ज्ञान सुन भी रहे हैं तो हम टूटे ना, ना टूटे ना बिखरे, ना बिखरे। बहुत अच्छा, मतलब आज ऐसा लग रहा था कि सच में, कि जैसे मैम वो बोल रहे थे कि मोटिवेशन है, सच में आज की यही मोटिवेशन है कि हमें कैसे हैंडल करना है सब चीजों। मिस हैंडलिंग जहां जहां है वहां हैंडल करना सीख लो, वे ऑफ हैंडलिंग है तो अच्छा है सब, मिस हैंडलिंग है तो सब कुछ खराब है, अच्छा भी खराब दिखेगा। अच्छे थे आज की वाणी, सुबह वाली भी और अभी वाली भी दोनों बहुत अच्छे थे। एक चीज बड़ी, थोड़ा ऊंचा करिए माइक, एक चीज बड़ी क्लिक करी कि जो आपने कहा ना कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, पर उस टाइम घबराहट होती है अगर सत्संग ना हो तो। पर ये बात सच है कि उसमें से कुछ अच्छा बन के निकलना होता है, जैसे भगवान राम का आपने कहा कि वो भगवान बन गए। बस जब भी कोई सिचुएशन आए तो वो कुछ और तो मैं निखारना चाहती है, बिखेरना नहीं चाहती। भगवान को ब्लेम मत दो, निखारना चाहता है तो मैं गिराना नहीं चाहता है। हाँ जी, थैंक यू भैया। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं ना तो हमारे शरीर में एनर्जी भी खत्म हो जाती है, और अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट ले लेते हैं तो आई कैन, तो जैसे कुल्ली कुल्ली वाला एग्जांपल दिया कि हम तो इतना खाते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते, और वो हमारा इतना सारा सामान भी उठा, क्योंकि हम मानते ही ऐसा है ना, हम नाजुक हैं, हमें मोच आ जाएगी, हमारी कमर में लचक आ जाएगी, हम नहीं उठा सकते हैं। और एक ये पॉइंट, या फिर ये सोचती हो तुम लोग कि जेंट्स लोग जो हैं शायद वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वैसे हर चीज में बराबरी करोगे, पर कई कई जगह धारणाएं बना रखी हैं। दिक्कत ये हमारे मन की धारणाएं हैं, हमें बहुत जगह तो हमारे मन की धारणाओं ने कमजोर किया हुआ, अपने विचार से वीक है। और एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कह रहे हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही, चिंता करने से क्रिएट थोड़ी ना हो जाएगा, अपने आप हो ही जाना है जब होना, तो भगवान ने भी तो कुछ सोचा हुआ है ना। फिर एक तरफ कहेंगे ये ना जोड़ियां भगवान बनाता है, फिर कहेंगे हमने ढूंढना है, जो समझ में ही नहीं आती कि तूने बनानी है जोड़ी, भगवान ने, भगवान भी कंफ्यूज्ड है शायद कि इन लोगों ने करना क्या है, उसने बनानी है तो बना देगा, तू आराम से बैठ जा, तूने बनानी है तो उसको छोड़ दे, फिर बीच में से वो कोई और काम कर ले, कुछ नहीं पता तुम्हें। फिर जोड़ियां भगवान बनाता है, फिर एक दूसरे को दोष देते रहते हो, बिचौलियों को गालियां देते हो, मैं फंस गया तेरे साथ, मेरी शादी हो गई, फिर उधर से कह रहा है जोड़ियां भगवान बनाता है, फिर तेरे लायक वही होगी जो तेरे को मिली, फिर क्यों दुखी है, फिर क्यों परेशान है, तेरी लायक ही यही होगी जो मिली तेरे को। हाँ नहीं तो सच बात है, उसको भी अच्छा दूल्हा मिल जाता कोई, फिर उसने बोला ना, दामाद ने सास को बोला आपकी बेटी को जरा भी अकल नहीं है, बोली बेटी मेरे को पता है, बोला पता है, बोला और क्या, नहीं तो अच्छा दामाद ना मिल जाता, तेरे जैसा इसीलिए मिला, उसको अकल नहीं है, मैं जानती हूँ, मना थोड़ी कर रही हूँ, तो बात तो यही है ना। जेंट्स लोग बेचारे सब। हाँ आप भजन के बाद बताइए, भजन के बाद बताइए, माइक दे दो पीछे। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती
मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे दर पे आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे दर पे आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी, तू ही तो बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तू ही तो बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की सतगुरु, ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की सतगुरु, नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे से आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे दर पे आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाकी चितवन सांवरी मन मुनी मूरत तेरी, बाकी चितवन सांवरी मन मोनी मूरत तेरी, जब से है दिल में समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से है दिल में समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में सतगुरु, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग मैं बड़ी मस्ती में हूँ,
जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे दर पे आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तेरे दर पे आई मैं बड़ी मस्त।